जन्नत वाले कोई ना लभे सर पे आसमां सा बाबा तेरा मेरे लिए तो सबसे पहले मेरा भोलेनाथ। आज चावल करे हैं मम्मी ने येलो यानी कि पीले पता नहीं क्योंकि मम्मी ने। और मैं नीचे बैठ के खा रही हूँ। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी पिचलवान व्लॉग्स। 9 बज रहे हैं जो दिन की शुरुआत हो रही है। थोड़ा जल्दी से हो रही है 9 बजे से, शायद थोड़ा 9 बजे करेक्ट 9 भी नहीं बजा अभी। और बाकी अपने सारे काम कर लिए मैंने। तो आज ना हम पता है क्या करने वाले हैं, ये जो अपना बेड है ना मेरा, इसमें बेड की डायरेक्शन चेंज करने वाली हूँ। एक ही डायरेक्शन में ना सोने में मुझे मज़ा नहीं आता। मैंने मम्मी को कल रात बोला मम्मी इसका बेड का ना चेंज कर देते हैं डायरेक्शन। तो मम्मी मुझे उठाई जाई थी, सोई थी रात में। मैंने कहा हाँ मैं सोई थी रात में, नाश्ता करने जाती हूँ। मम्मी बुला रही है नाश्ता करने के लिए काफ़ी देर से, मुझे नाश्ते में पता नहीं है क्या बना है। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम ये वाला काम करते हैं आज। बेड आपका मुँह सही दिख रहा है मम्मी? इसको और ऊपर कर देते हैं। क्यों, कौन से पराठे बना रहे आज भी? पनीर के? पनीर चलो हाँ सही है, कल पता तो चला नहीं मुझे। गाय के लिए रोटी। आंटी जा रही है अपनी ड्यूटी। आंटी नमस्ते। कालू उधर पहुंच गया। ये दोनों है ये जो बिल्लियां परेशान करती हैं रात में, म्याऊं म्याऊं करती रहेंगी पूरी रात भर। डड्डू दोनों के दोनों डर के रहे, अब तो बड़ा डर रहे तुम। धूप सेकने बैठेंगे धूप। गाय पराली खा रही, पराली ये रहा अपना पनीर पराठा और चाय। अभी बनाया मम्मी ने मिले। अभी झाड़ू लगाया है ठीक है सारा बाहर तक आज, और अपना रूम भी साफ किया, मम्मी ने भी मिलके साफ किया। अभी मम्मी पोछा लगा रही है, मैंने झाड़ू लगा दिया था पूरा बाहर तक, और अब मैं बर्तन धुलूंगी। ये बर्तन है ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी कपड़े भी धुल रही है साथ में। मम्मी पानी वाला काम कर रही है, मैं पानी में कम थोड़ा सा हाथ लगाती हूँ सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि फिर जुकाम लग जाएगा ना, तो जुकाम सहने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद मैं अपने रूम में जाऊँगी। एलेक्सा प्ले सॉन्ग मेरे भोलेनाथ। वॉल्यूम एलेक्सा वॉल्यूम 6। अभी मम्मी अनार छिल रही है खाने के लिए। लोगों को ये भी ना दिखाऊं कि हम अनार खा रहे हैं।
कपड़े धुल दिए थे, मैं तो हाँ बर्तन, मम्मी मैंने भी बर्तन मैं धुल तो दिए बहुत थे। चीजें खाऊंगी, मैं गाना तो सारी सुनते चीजें सुनते दिखानी है ना। तो फिर अब अनार खाएंगे, अभी तो फिर मैंने इसके दिल्ली बाद जाना है, मम्मी तब देखो कहाँ खाना कहाँ पे बनाएगी दिन रोकूंगा का, मुझे और मैं अपने रूम में जाके मुझे अपना रूम अभी सेटल खाली में करना है। खराब कर दिया मैंने मेरा रूम रूम सेट नहीं तो। किया, सिर्फ साफ सफाई करी थी, सेटल नहीं किया था। पता है अनार मुझे फ्रूट्स में पसंद मम्मी है, मत रोका करो चीजों के कस्टर्ड के लिए। साथ तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता। आप तो आज अपनी टेबल भी शिफ्ट कर दी है, ये किरण की लिपस्टिक है सारी। नहीं यार टेबल को ना वो बनाना, नया बना, परेशान हूं मैं किरण की इन चीजों से। तन्नू तो यहाँ नींद लेती भी, और दूसरी टिप्सी हमारी ये भी नींद लेती भी। हेलो यू आर 100% स्लीपिंग। तो अभी थोड़ा सा काम किया, कॉल थी ऑफिस की, और फिर अब मुझे बहुत, जैसे ही मैं लेटी ना ऐसे लेटने के लिए, अब भी जैसे ही देखो लैपटॉप ओपन ही करा हुआ है, और जैसे ही लेटी मम्मी का आवाज़ आ गई कि जा तन्नू को भी उठा के लिए और लंच करने के लिए आने के लिए, तो तन्नू तो सो रही है, तन्नू को उठाना पड़ेगा। ये मैंने अपना पूरा रूम सेट कर दिया, चेयर चेंज करनी है, और इस कमरे के लिए देखो मैंने यहाँ पे पॉट यहाँ पे रख दिए, कुछ यहाँ रख दिए, सही लग रहे ना यार, खराब हो जाएगा पर्दा लग के बार बार ही। ये आज चावल करे हैं मम्मी ने येलो, यानी कि पीले पीले, पता नहीं क्योंकि मम्मी ने आज, और ये हरी मटर की दाल है। क्या यार टिप्सी, चुप हो जा तन्नू, जा। और मैं नीचे बैठ के खा रही हूँ। नींद ऐसे लग रहा है नींद नहीं पूरी हो रही कि सर भारी हो रहा है। अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आया शालू का ना, तो यहीं रायवल आई भी, वो बोल रही आ जा छोले समोसे खा रही हूँ मैं। मैंने कहा हाँ तुझे आज ही के दिन बोलना था, मैंने कहा पता नहीं तेरे को, बोल रही अरे भूल गई थी मैं, मतलब उसको मतलब ये है कि मैं डाइट पे हूँ, मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ, 1 महीने तक मैंने डिसाइड किया है बाहर का कुछ नहीं खाना है। तो तो बोली अरे यार, अब वो पता है हरिद्वार से आई है यहाँ पे छोले समोसे खाने के लिए। सही लग रही है, पोनी भी, पोनी नहीं बांधती हूँ मैं, छत पे आई थी मैं कपड़े निकालने के लिए, बारिश वाला मौसम हो रहा है, चकराता है मैं ना, बर्फ पड़ गई यार, स्नो फॉल हो रहा है जबरदस्त। वीडियो देखा आज सुबह ही मैंने, किसी ने स्टेटस पे डाला हुआ था, तो वो गया हुआ था मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज का ही, मेरा मन नहीं कर रहा है लेकिन जाने का। वैसे मुझे बर्फ वाली जगह बड़ी पसंद है, पर मेरा पता नहीं क्यों आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, शायद कुछ दिन बाद जाऊंगी शायद। बाल मेरे, मौसम देख रहे हो कितना खतरनाक हो रखा। तो पता है जब मैंने मोबाइल करा ना ऐसे थोड़ा सा हल्का डाउन, वो देखो इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, मैंने कहा था 2-4 वीडियोस और बना लूँ, फिर थोड़ा शर्म भी आती है ना मोबाइल अपने मतलब ऐसे छत में आके, तो फिर लोग देखते भी रहते हैं, तो थोड़ा शर्म लगती है मुझे वीडियो बनाते टाइम। अभी देखना मैं कालू का आवाज दूंगी, फिर देख कालू, वहीं से उसने आग ऊपर के, कालू आ जा। तो ये हमारे घर का फ्रंट व्यू है, और ये देखो सारे मकान है जो हमारे घर के आसपास, ये पता पहले पूरी प्लॉटिंग थी, यहाँ खेत मतलब गेहूँ चावल वगैरह उगाते थे, जैसे ये यहाँ पीछे देख रहे हो ना ऐसे ही यहाँ पे खेत हुआ करते थे,
और अब इन सबकी प्लॉटिंग होगी तो यहाँ पर सब जगह घर बनेगा। ये तनु ने बनाया मैक्रोनी पास्ता प्लस मैक्रोनी मेरे बोलने पे, थैंक यू तन्नू। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैंने डिनर नहीं किया क्योंकि मैंने शाम को पास्ता खा लिया था ना, तो मेरा मन नहीं हुआ करने का। फिर अब मैं बस लाइव गई थी तो कुछ 28 आधे घंटे मतलब 28 मिनट के समथिंग मैं लाइव रही और खूब मज़ा आया मुझे डायरी पढ़ने में। आप लोग भी देखना मेरा ब्लॉग, मेरा लाइव ब्लॉग कल का, आज का जो दिख जाएगा शायद वो तो, हाँ पब्लिक कर दिया मैंने। तो अभी मैं बस नींद आ रही है मुझे, ख़त्म करती हूँ ब्लॉग। तो फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।